Let's find job. आपके अपने YouTube चैनल Let's Find Jobs में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि BCom फर्स्ट ईयर की एग्जामिनेशन चालू है MCBU यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दोस्तों मैनेजमेंट ग्रुप में पेपर नंबर सेकेंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन का फुल सॉल्यूशन। इसलिए दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहें। इससे पहले अपने चैनल पर दोस्तों BCom फर्स्ट ईयर के फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत तीनों सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन डल चुके हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने इन सब्जेक्ट के सॉल्यूशन नहीं किए हैं तो दोस्तों आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और जानते हैं आपके मैनेजमेंट ग्रुप पेपर के सेकेंड का फुल सॉल्यूशन। दोस्तों इसमें आपके सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इसमें आपका सबसे पहले सही विकल्प है। इसमें आपके पहले नंबर का पहला क्वेश्चन है, एकांकी व्यापार का दायित्व होता है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का असीमित। दोस्तों आपका बी नंबर का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपका विकल्प का दूसरा क्वेश्चन है, एक सार्वजनिक समिति कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का। सी नंबर का दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 10। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विकल्प का तीसरा, संप्रेषण का माध्यम है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का, इसमें से सभी का। तो डी नंबर आपका दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विकल्प का चौथा, निर्ख पत्र का उद्देश्य है। दोस्तों इसका मुझे अभी क्लियर आंसर नहीं मिला है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। दोस्तों अगर मुझे मिलता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, लेट्स फाइंड जॉब के नाम से है। दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, आप दोस्तों ज्वाइन करके जरूर रखें। वहाँ जो दोस्तों जो भी प्रश्न के आंसर छूट जाते हैं मैं वहाँ डाल देता हूँ। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विकल्प के पांचवें क्वेश्चन पर। दोस्तों आपका विकल्प का पांचवा क्वेश्चन है, बी से बी का अर्थ है। दोस्तों बी से बी का क्या अर्थ है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा आपको, मतलब ए नंबर का दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापार से व्यापार। इस प्रकार से दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका सेक्शन बी लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, तो आपके ये हैं दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं आपको इनके सॉल्यूशन दिखाऊंगा क्रम से, तो आप इन्हें फास्टली नोट करते चलिएगा। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर, दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए। इसमें दोस्तों आपसे पूछा गया है, व्यवसाय का अर्थ समझाएं, इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं। दोस्तों ये है आपके प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए, व्यवसाय का अर्थ। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। दोस्तों आप वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, तो आपको इसके आगे से लिखना है, आपको इसमें दोस्तों व्यवसाय के लक्षण बताने हैं। तो दोस्तों पॉइंट वाइज पॉइंट है, ये आपका दोस्तों पहला पॉइंट है। इसके आगे दोस्तों बढ़ते हैं, तो दोस्तों ये आपका दूसरा पॉइंट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट आपका दोस्तों, दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये पांचवा। दोस्तों ये आपके व्यवसाय के लक्षण है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक दो कम्प्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक तीन। दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक तीन में पूछा जा रहा है, कंपनी के प्रकार बताइए। तो ये है आपका दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीन। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। तो ये है दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक तीसरे का आंसर, इसमें आपको कंपनी के प्रकार बताने हैं। तो ये है दोस्तों कंपनी के प्रकार, पहली है निजी कंपनी, तो ये इसके आंसर दोस्तों। तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए, ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक तीसरे का आंसर है, तो आपको श्यांगे से लिखना है। पर दोस्तों आपको श्यांगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। पर दोस्तों चार्टर कंपनी है, तो उसके आगे आपको इसे लिखना है। पर दोस्तों विशेष विधान द्वारा निर्मित कंपनी, कंपनी अधिनियम द्वारा निर्मित कंपनी, तो ये दोस्तों आपके पॉइंट वाइज पॉइंट है कंपनी के प्रकार। फिर पांचवी है समिति कंपनी, इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ आंसर, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपका है ये छठवां पॉइंट, असमिति दायित्व वाली कंपनी, तो आप दोस्तों फास्ट नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक चार। प्रश्न क्रमांक चार में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, संप्रेषण की दिशा से आप क्या समझते हैं। तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक चौथे का आंसर है, यहाँ से आपका है दोस्तों संप्रेषण की दिशा। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है,
पर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, एक श्रेष्ठ व्यावसायिक पत्र लेखन के गुण स्पष्ट कीजिए। तो मैं आपको दोस्तों इसका आंसर दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर, एक श्रेष्ठ व्यावसायिक पत्र के लेखन के गुण, ये है दोस्तों पॉइंट वाइज पॉइंट है, एक अच्छे व्यवसाय पत्र की योग्यता है, ये पॉइंट वाइज पॉइंट है दोस्तों। दो नंबर का दोस्तों, वैसे भी मैंने 3 लिख दिए हैं, आप ये लिख लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 6। दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा जा रहा है, गश्ती पत्र का उदाहरण दीजिए। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 6 है, तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 6 कंप्लीट होता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, साझेदारी की परिभाषा दीजिए। साझेदारी व्यवसाय के मुख्य तत्वों को समझाएं। मैं आपको दोस्तों इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। तो ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर, साझेदारी का आपको इसमें दोस्तों परिभाषा बतानी है, मतलब आपको अर्थ बताना इसमें, तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों इसकी आपको परिभाषा देनी है, वैज्ञानिक के अनुसार ये आपको परिभाषा है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। इसके आगे दोस्तों आपको इसमें साझेदारी के दोस्तों क्या बताने हैं, मुख्य तत्व बताने हैं। मुख्य तत्व मतलब दोस्तों आपको इसमें विशेषताएं बतानी है, तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फिर नोट करते चलिए। पॉइंट वाइज पॉइंट है दोस्तों, ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर चल रहा है। इसके आगे ये है दोस्तों, आपको इसमें ये नहीं लिखना है विज्ञापन, ये आपको नहीं लिखना है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है। फिर आपका दोस्तों तीसरा पॉइंट है, व्यवसाय का अस्तित्व, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका है चौथा पॉइंट, लाभ अर्जित करना और लाभ साझा करना, आपको इसमें विज्ञापन जो लिखा है ये नहीं लिखना है आपको दोस्तों। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, तो आपको इसमें 5वां पॉइंट लिखना है, देवता की सीमा। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 8। दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा जा रहा है, सार्वजनिक और निजी कंपनी के अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मैं आपको दोस्तों इसका आंसर दिखा रहा हूँ, सार्वजनिक और निजी कंपनी के अंतर बता रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये है आपके प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर, सार्वजनिक और निजी कंपनी में अंतर। दोस्तों ये लिखा हुआ है सार्वजनिक और निजी कंपनी में अंतर, पॉइंट वाइज पॉइंट है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये पहला पॉइंट हो जाता है दोस्तों। दोस्तों आप वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है, तीसरा पॉइंट हो जाता है, ये आपका दोस्तों चौथा पॉइंट हो जाता है। इसके आगे दोस्तों आपका ये 5वां पॉइंट है, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। आप दोस्तों जितना लिखना है आप उतना लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। ये 5वां पॉइंट है, ये 6वां पॉइंट, और ये दोस्तों आपका 7वां पॉइंट है, तो आप नोट करते चलिए। अगर दोस्तों मैं खिसका देता हूँ और आप लिख नहीं पाते हैं, तो आप दोस्तों वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। इसके आगे दोस्तों आपका ये 8वां पॉइंट है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 8 कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 9। दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा जा रहा है, स्वार्ट विश्लेषण क्या है, विस्तार से समझाइए। दोस्तों आपको स्वार्ट विश्लेषण को समझाना है, मैं आपको इसका आंसर दिखा रहा हूं, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर, ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर है, तो आप इसे दोस्तों फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये है इसके आगे आंसर, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसे लिखना है। दोस्तों आप वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है अपने अनुसार, दोस्तों लिखते चलिए। आपको अगर दोस्तों आंसर बड़ा लगता है, तो दोस्तों आप अपने अनुसार लिख लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आप इस वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक करेंगे उतनी ही जल्दी दोस्तों आपके लिए और सब्जेक्ट के सॉल्यूशन लाए जाएंगे जो आपके बचे हुए हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डलेगी वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृष्ठ क्रमांक 10, इसमें आपसे पूछा जा रहा है पूछताछ के पत्र से आपका क्या आशा है, इस पत्र को लिखने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको दोस्तों इसका आंसर दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्टली नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके पृष्ठ क्रमांक 10 में का आंसर, तो आप इसे दोस्तों फास्टली नोट कर लीजिए। आपसे पूछा गया है पूछताछ पत्र संबंधी पत्र क्या है, तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्टली नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों आपके इसके आगे आपको इसकी बतानी है विशेषताएँ, तो इसकी ये विशेषताएँ हैं दोस्तों, पॉइंट वाइज पॉइंट है, तो दोस्तों आप इसे फास्टली नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, पॉइंट वाइज पॉइंट है दोस्तों, दूसरा पॉइंट, ये आपका तीसरा पॉइंट है दोस्तों, और ये आपका चौथा पॉइंट है। इस प्रकार से दोस्तों आपका पृष्ठ क्रमांक 10 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृष्ठ क्रमांक 11, दोस्तों आज पृष्ठ क्रमांक 11 में पूछा जा रहा है ई कॉमर्स से आप क्या समझते हैं, ई कॉमर्स की कार्य प्रणाली को समझाइए। तो मैं आपको दोस्तों इसका आंसर दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्टली नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये है आपके पृष्ठ क्रमांक 11 में का आंसर, तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। आपको इसमें बताना है ई कॉमर्स से आप क्या समझते हैं, ये इसका आंसर दोस्तों ई कॉमर्स के बारे में। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, मैं आपको दोस्तों दिखाते जा रहा हूँ, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फार नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, तो दोस्तों आप इसे भी फास्ट नोट कर लीजिए। दोस्तों आपको ज़्यादा बड़ा आंसर लगता है तो आप अपने साथ स्किप कर सकते हैं कुछ पार्ट, अगर आपको ज़्यादा बड़ा लगता है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो लिखते चलिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका पृष्ठ क्रमांक 11 कंप्लीट होता है, साथ ही दोस्तों आपका यह पेपर भी कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आगे आप किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं, और दोस्तों आपको वीडियो किस प्रकार लगी। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।